तो दोस्तों, जीवन में एक चीज याद रखो, आप जो चीज सोच सकते हो उसको आप पूरा कर भी सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं आप लोगों के लिए द हिंदू की खबरों के साथ। आप में से मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे लर्नर्स थोड़ी सी कंप्लेन कर रहे हैं कि रेगुलर नहीं हो पा रहा है। गाइस, आई नो इट बाय माई सेल्फ कि थोड़ी सी रेगुलरिटी में इश्यू आ रहा है। उसका रीज़न आप भी जानते हैं, बिकॉज आई हैव रेगुलर लाइव क्लासेस। ऑल दो जो मेरी सुबह 6 बजे वाली सीरीज है वो रेगुलर सीरीज चल रही है, एंड लेट मी टेल यू कि यहाँ पर आप लोगों को वो द हिंदू की सारी चीज़ें एक्स्ट्रा कवर हो रही हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं छोड़ रहा हूँ, डेली बेसिस पे आपको चीज़ें मिल रही हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि द हिंदू की सीरीज भी हम लोग रेगुलर मैनर में मेंटेन रख सके। स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू के पेज नंबर 1 के साथ। पहली खबर मिलती है कोरोना वायरस से लिंक करते हुए, COVID-19 नाउ अ पेंडेमिक सेज WHO। और इंडिया के अंदर टोटल जो कंफर्म केसेस हैं वो अभी 60 बताए जा रहे हैं, बट जब मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूं तो यहां पर जो कंफर्म केसेस हैं उनकी संख्या 72 हो चुकी है। WHO ने यहां पर डिक्लेयर किया कि अकॉर्डिंग टू इट्स असेसमेंट COVID-19 कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज अ पेंडेमिक, उसको पेंडेमिक के रूप में कैरेक्टराइज किया जा सकता है। तो ये दो शब्द होते हैं, एक होता है एपिडेमिक, एक होता है पेंडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है जब इस डिजीज का आउटब्रेक कुछ पॉपुलेशन को यहाँ पर इम्पैक्ट करता है, बट वो धीरे धीरे बढ़ना चालू हो रहा है। ये यहाँ पर एक रीजन स्पेसिफिक होता है, उसको बोलते हैं एपिडेमिक। जैसे अभी चाइना के अंदर था तो चाइना ने इसको एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया था, ओके और ये 2 हफ्तों तक जब लगातार चलता रहता है उसके बाद इसको एपिडेमिक घोषित किया जाता है। जब यही पर्टिकुलर डिजीज हमें एक लार्जर एपिडेमिक के रूप में कन्वर्ट होती हुई नजर आती है, एक ग्लोबल फॉर्म लेती हुई नजर आती है, दुनिया को इम्पैक्ट करती हुई नजर आती है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाती हुई नजर आती है, तो उसको हम लोग पेंडेमिक घोषित कर देते हैं। WHO के हिसाब से यहाँ पर अराउंड 118,000 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, एंड 114 कंट्रीज में केसेस पाए गए हैं, जिनमें से 90% केसेस सिर्फ और सिर्फ 4 देशों के अंदर ही हैं। गाइस, आज पेज नंबर 6 पे आप लोगों को नागा पीस डील से रिलेटेड एक चीज देखने को मिलती है। यहां पर बात हुई है कि जो 7 नागा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करी है कि आप इस पीस डील को जल्द से जल्द साइन आउट करो विद और विदाउट दी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का जो इशक मोहविया वाला जो यहाँ पर फैक्शन है, ओके उसके अलावा, मतलब अगर वो जो फैक्शन है वो चाहे या ना चाहे, उसको इंक्लूड करें या ना करें, जल्द से जल्द एक पीस डील की तरफ आगे बढ़ा जाए। सेंटर और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का जो इशक मोहविया वाला जो सेक्शन है उसके बीच में पहले भी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं 1997 से। रीसेंट जो यहाँ पर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015 के अंदर बात हुई थी और सीज़फ़ायर एग्रीमेंट हुई थी उसके अंदर भी बात हुई थी, बट फिर भी जो नागा पॉलिटिकल इशू है वो अभी तक बरकरार रहा है। गाइस, जो यहाँ पर NSCNIM है वो उसका मेन मकसद क्या है, ग्रेटर नागालैंड फॉर्म करना। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बैक टू द बेसिक्स पे लेकर जाता हूँ। गाइस, लेफ्ट हैंड साइड पे आप जो मैप देख रहे हो और यहाँ पर इस मैप के अंदर जो ये वाला पोर्शन है, ओके दिस पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पर आप लोगों को देखो, ये नागालैंड है, ये वाला दिस रीजन इज नागालैंड। तो नागालैंड का रीजन ये है, पर यहाँ पर अगर आप लोग ये ऑरेंज वाला पोर्शन देखोगे चारों तरफ, ओके दिस ऑरेंज पोर्शन, तो ये जो ऑरेंज पोर्शन है इस पोर्शन को यहाँ पर अलग से एक स्टेट बनाने की डिमांड यहाँ पर जो ये नागा ग्रुप्स हैं वो कर रहे हैं। गाइस, जो यहाँ पर NSCNIM है वो लार्जेस्ट नागा ग्रुप है जो कि यहाँ पर इस अकॉर्ड को साइन करने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि अलग से नागा फ्लैग आए, अलग से उनके लिए संविधान आए, तब वो यहाँ पर इस पीस डील को साइन करेंगे। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट गवर्नमेंट एंड नागा हैव नॉट बीन एबल टू कंक्लूड नेगोशिएशंस, और यहाँ पर कुछ सिम्बॉलिक इशूज पे पूरा का पूरा नेगोशिएशन अटका हुआ है। द चर्च हैज़ बीन आर्ग्यूइंग दैट जो सिंबल्स हैं दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ नागा आइडेंटिटी, इसलिए उनके बिना आगे बढ़ना सेफ नहीं होगा। तो नागा ग्रुप यहाँ पर रेगुलरली अपने नागा फ्लैग की डिमांड कर रहे हैं जिसको यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट देने को तैयार नहीं है, ओके इंडियन गवर्नमेंट कह रही है दिस इज अगेंस्ट आर कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर गाइस टाइमलाइन देखो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पे, गाइस 1918 के अंदर जो नागा क्लब है इट वॉज फॉर्म, और अगर मैं इससे भी पुराने पे जाऊँ तो जब यहाँ पर असम को एनेक्स किया गया था उस समय पर यहाँ पर
नागास जो थे वो उस समय पर भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक मुहिम छेड़े हुए थे कि दे वांट अ सेपरेट पीस ऑफ लैंड। गाइस जब 1929 के अंदर साइमन कमीशन वॉज देयर, जब साइमन कमीशन आई थी और उसने यहाँ पर इस नागा क्लब से लोगों से पूछा था कि आपको क्या चाहिए, उन्होंने बोला था हमें चाहिए क्या आज़ादी, हमें चाहिए सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट। नाउ गाइस 1946 के अंदर जो नागा नेशनल काउंसिल है इट वॉज बॉर्न अंडर द लीडरशिप ऑफ ए जेड फीजो, ये बहुत बड़े लीडर हैं, आप इनकी तस्वीर देख सकते हो ए जेड फीजो। ऑन अगस्त 14, 1947 एनएनसी ने डिक्लेयर की अपनी इंडिपेंडेंस। ओके 1964 के अंदर नागालैंड पीस मिशन को बनाया गया। ओके उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे 1955 के अंदर एनएनसी बिगेंस आर्म्ड इंसर्जेंसी, दिल्ली ने यहाँ पर असम डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज एक्ट लगाया, फिर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगाया और फिर नागालैंड को लग किया 1963 के अंदर। तो तब से अब तक यहाँ पर आप लोग देखोगे शिलोंग अकॉर्ड, हम लोगों ने 1975 के अंदर शिलोंग अकॉर्ड साइन आउट किया था जब यहाँ पर नागा नेशनल काउंसिल ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया था। अब जो लोग इस फैक्शन से थोड़ा डिफर थे उन्होंने यहाँ पर दो अलग अलग ग्रुप्स में यहाँ पर डिवीजन ले लिया, एक था यहाँ पर नागा सोशलिस्ट काउंसिल जो कि यहाँ पर एक खापलैंग वाला ग्रुप था और एक इशक मुविया वाला जो ग्रुप था जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ओके तो यहाँ पर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, एक था यहाँ पर इशक मुविया वाला ग्रुप और यहाँ पर खापलैंग वाला ग्रुप। ओके तो एग्रीमेंट के अंदर क्या है, यहाँ पर जो NSCN है उन्होंने बोल दिया था कि भाई हमें ग्रेटर नागालैंड वाली कोई डिमांड नहीं चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल हम लोग ओबे करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पे बढ़ेंगे, बट आप लोगों को भी नागा की हिस्ट्री, नागास के जो ट्रेडिशन है उनको प्रोटेक्ट करना है। अब ये जो इशू है ये कॉम्प्लेक्स कैसे बन गया, गाइज दी अदर स्टेट्स आर वेरी ऑफ दिस एंड दिस मेक द सिचुएशन सेंसिटिव, सिचुएशन सेंसिटिव होती जा रही है। जो NSCN IM वाला जो इशू है उस इशू के अंदर जो ग्रेटर नागालैंड वाली जो डिमांड थी वो तो यहाँ पर बॉर्डरिंग स्टेट्स को भी इम्पैक्ट कर रही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पर मणिपुर के भी कुछ पोर्शन, असम का भी कुछ पोर्शन, अरुणाचल प्रदेश का भी कुछ पोर्शन, इवन म्यांमार का भी कुछ पोर्शन इंक्लूड किया है। तो भारत सरकार यहाँ पर ये कह रही है कि वो आउट्स जो बाकी जो स्टेट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब क्या किया जा सकता है, एज उनको मैक्सिमम ऑटोनॉमी दी जा सकती है जिस तरीके से अभी रिसेंटली बोडोस को दी गई, उनकी हिस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जा सकता है जिस तरीके से यहाँ पर असम के अंदर अकॉर्ड 6 है, जो गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार है इट विल हैव टू बी ऑन दी बोर्ड जब नागा सेटलमेंट हो, और बॉटम लाइन यही है कि देयर कैन बी नो सॉल्यूशन विदाउट द इंटीग्रेशन ऑफ नागास, तो इस चीज़ का हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 8, खबर मिलती है कुकून प्रोडक्शन को लेकर। कैस कुकून यहाँ पर मलबरी या फिर जिसको आप लोग कहते हो सिल्क, जब एक कैटरपिलर बनता है बटरफ्लाई तो उससे पहले अपने आप को चारों तरफ ढक लेता है, किससे, कुकून से, और कुकून यहाँ पर एक वाटरप्रूफ मटेरियल होता है। जो कुकून प्रोडक्शन है यहाँ पर कर्नाटका के अंदर वो बहुत ज़्यादा हिट हुई है बाय मलबरी डिजीज़ की वजह से हिट हुई है, दैट अपीयर्स पॉइज्ड टू पिक अप जस्ट इन टाइम टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंडिजीनियस सिल्क। डिमांड बढ़ती जा रही है बट इस डिजीज ने यहाँ पर कर्नाटका के अंदर कुकून प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा मात्रा में इम्पैक्ट किया है। तो यहाँ पर लीफ रोलर इंसेक्ट है जो कि खा लेता है यहाँ पर मलबरी प्लांट्स के शूट्स को, इट हैड अफेक्टेड द प्रोडक्शन इन द स्टेट एंड विद द क्लाइमेट चेंज इन द लास्ट फ्यू डेज, और जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल है डिजीज़ को यहाँ पर कंट्रोल में कर दिया गया है। ज़्यादातर जो कुकून है वो मार्केट के अंदर आने को तैयार है और जो प्राइजेस हैं दे आर हाई। ओके वो अभी भी पिछले 3 महीने के सबसे ज़्यादा ऊपर वाले स्तर पे हैं। जो कुकून मार्केट है रामनगरम के अंदर इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट इन द स्टेट और वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी हुआ है। ओके जो एवरेज प्राइस है यहाँ पर कुकून का वो 480 to 495 होता था फॉर द क्रॉस ब्रीड एंड 630 to 670 फॉर द सुपीरियर क्वालिटी, जो कि यहाँ पर एक एवरेज आप कह सकते हो ईज्ड आउट, हमें एक एवरेज देखने को मिली। मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 9, कोरोना वायरस से रिलेटेड एक और चीज, स्टेट्स टू बी आस्क्ड टू इनवोक एपिडेमिक डिजीज एक्ट। स्टेट्स को बोला गया है कि आप एक एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो है जिसको ब्रिटिशर्स 1897 के अंदर लेकर आए थे जब यहाँ पर प्लेग वाली कंडीशन बॉम्बे के अंदर आ गई थी, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। ये डिसाइड किया गया है कि सारी के सारी स्टेट्स या यूटी सेक्शन 2 ऑफ द एपिडेमिक डिजीज एक्ट, जो कि स्टेट्स को पावर देता है कि स्टेट्स और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर इस एपिडेमिक को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, उसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम लोग अब क्लासीफाई भी करेंगे डेटा को ऑफ द पेंडेमिक और उनके लिए हम लोग अप्रोप्रिएट एक्शंस भी लेंगे। मूविंग ऑन पेज नंबर 9 पे एक और खबर मिलती है, सुप्रीम कोर्ट कम डाउन ऑन सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस।
गाइस, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस इज एन अफ्रंट टू देयर फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी एंड लिव विद डिग्निटी। यहाँ पर बोला गया कि अगर महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वो उनके फंडामेंटल राइट्स को भी हार्म करता है, खासकर आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 15, राइट टू लिव विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल नंबर 21, एज वेल एज आर्टिकल नंबर 19 के अंदर जो राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन या एनी ऑक्यूपेशन है उसको भी यहाँ पर हार्म करता है। वर्डिट क्या है, जब यहाँ पर पंजाब एंड सिंध बैंक की एक सीनियर ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर दिया गया, ऑल दो यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला है, कोर्ट ने बोला है कि जो चॉइस ऑफ पोस्टिंग है वो यहाँ पर बैंक की होती है, बट वो चॉइस ऑफ पोस्टिंग मलाफाइडी नहीं होनी चाहिए या बिना किसी अथॉरिटी की परमिशन के नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे हुई है, किसी फोर्स में हुई है, किसी करप्शन के कारण हुई है, तो वो भी यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट का ही एक पार्ट माना जाएगा। कोर्ट ने यहाँ पर रेफर किया टू द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, सेइंग वेरी पर्पज वॉज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वर्किंग वुमेन। नाउ गाइस, पेज नंबर 9 पे हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि फोर्सेबल डिस्पोजेशन ऑफ अ पर्सन्स प्रॉपर्टी इज अ ह्यूमन राइट वायोलेशन। अगर कोई भी व्यक्ति फोर्सेबली यहाँ पर किसी को किसी के घर के बाहर निकालता है तो भी ये ह्यूमन राइट वायोलेशन है, बिकॉज आर्टिकल नंबर 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि राइट टू प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है वो एक ह्यूमन राइट भी है, एज वेल एज वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, बिकॉज प्रॉपर्टी इटसेल्फ इज द सीड बेड विच मस्ट बी कंजर्व्ड इफ अदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आर टू बी फ्लरिश्ड। मूविंग ऑन, पेज नंबर 10, एडिटोरियल सेक्शन, जीएस पेपर नंबर 2, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया और यूएस, और बीच में यहाँ पर अफगानिस्तान के बारे में बात हो रही है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेसन देखे होंगे, मैंने आपको बार बार एक ही चीज़ एक्सप्लेन करी है कि यहाँ पर इंडिया के लिए आप कह सकते हो एक नेगेटिव डाउनफॉल आया है। मैं इस आर्टिकल को आपको एक माइंड मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ओके, कि इस आर्टिकल में हुआ क्या। गाइस, अफगानिस्तान के अंदर जो यहाँ पर पीस डील अभी साइन आउट हुई बिटवीन द तालिबान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, अब यहाँ पर जो तालिबान वाला जो सेक्शन है वो असलियत में अलाय है किसका, पाकिस्तान का अलाय है। अब यूएस ने अपनी ट्रूप्स को 2001 के अंदर भेजा था अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ग्रुप और यहाँ पर उसकी जो अलाय है जो अलकायदा है उसके खिलाफ लड़ने के लिए, बट क्या हुआ, जैसी वियतनाम वॉर के समय पर यूएस की हालत हुई उसी तरीके की हालत अब हम लोगों को नज़र आई कि 2020 में यूएस क्या चाहता था, यूएस बस अपनी एक सेफ एग्जिट चाहता था, यूएस ने इसके अलावा और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा। अब यहाँ पर दोनों के बीच में एक डील साइन आउट हुई, एक पीस डील साइन आउट हुई। अब वो जो पीस डील थी उसके अंदर जो तालिबान ग्रुपिंग थी उसने एक बड़ा प्रॉमिस किया, उसने प्रॉमिस किया कि वो गलती से भी अफगानिस्तान की जो ज़मीन है उसका इस्तेमाल यूएस और यूएस के जो अलाय देश हैं, यूएस के अलाय देश मतलब जो यहाँ पर नाटो कंट्रीज हैं, उनके खिलाफ नहीं होने देगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करें, ना ही हमारा देश यूएस के अलाय में आता है, ना ही हम लोग यहाँ पर नाटो ग्रुपिंग का पार्ट हैं। इसका मतलब इस पूरे के पूरे इशू के हिसाब से तालिबान ग्रुपिंग अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ कर सकती है, और यहाँ पर अगर अफगानिस्तान वाला हिस्सा तालिबान के कंट्रोल में आता है तो आप ये मानो कि तालिबान और पाकिस्तान पूरा का पूरा जो बैलेंस ऑफ पावर है साउथ एशिया का वो बदल के रख देंगे। तो यहाँ पर जो बैलेंस ऑफ पावर वाला जो इशू है वो बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है, और ये इशू में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा इस पूरे रीजन में वो होगा इंडिया का। तो इंडिया यहाँ पे ऑल दो अपने यहाँ पर मुद्दे उठा रही है, मैं अगर अपना प्रेडिक्शन बोलूँ तो मुझे अब यही लग रहा है कि ये जो डील है इट विल बी अ फेल्ड डील। कारण ये है क्योंकि दो दिन के अंदर अंदर ही यहाँ पर तालिबान ग्रुप ने यूएस की आर्मी के ऊपर भी यहाँ पर अटैक कर दिया, और यहाँ पर यूएस की आर्मी ने तालिबान ग्रुप के ऊपर अटैक कर दिया। तो ये हम लोगों को एक अपडेट देखने को मिला, और ये एडिटोरियल सेक्शन भी आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा था कि जो मिलिट्री कैंपेन है उसके अंदर जो अशरफ घानी का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी पूरी तरीके से क्लूलेस से रह गया है। यहाँ पर जब तालिबान पावर में आया मिड 1990s के अंदर काबुल में, वहाँ पर बहुत सारे देशों ने उनको बैक किया, चाहे वो पाकिस्तान हो, सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो, और यहाँ पर कुछ देश अभी भी इन सब चीज़ों के खिलाफ लड़ते रहे जिनको नॉर्दर्न अलायंस देश थे, ओके, उनको सपोर्ट किया, जैसे रशिया, इंडिया यहाँ पर सपोर्ट किया, जो कि यहाँ पर मिलिट्री प्रेशर बना रहे थे तालिबान के ऊपर जब वो पावर में थी, और कोशिश कर रहे थे कि तालिबान यहाँ पर वीकन हो जाए। बट पाकिस्तान के एक पपेट के रूप में भी
तालिबान ने पूरी तरीके से एक रोल प्ले किया। गिवन दी वॉर फटीग एंड जियो पोलिटिकल स्टेक्स इन अफगानिस्तान, ज़्यादातर जो की प्लेयर्स हैं इस रीजन के अंदर वो यहाँ पर आज की डेट में नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तालिबान के साथ, और वो भी इन अ सिंगल वे। आज तालिबान यहाँ पर इज़ द फ्लेवर ऑफ द सीजन, सबसे इम्पॉर्टेंट बन गया है। और यहाँ पर क्योंकि यूएस विड्रॉ कर रहा है, लेट इट बी चाइना, पाकिस्तान, ईरान और रशिया, सारे देश यहाँ पर तालिबान की जो पुरानी चीज़ें हैं उनको फॉरगिव करने में लग गए हैं। एंड यूएस इज़ द बिगर चैलेंज देन तालिबान, ये भी हमें याद रखना है। इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया हमेशा प्योरिटेनिज्म पे बिलीव करता आया है। हम लोग हमेशा से ही यहाँ पर तालिबान ग्रुप हैं उसके एक्शन के खिलाफ रहे हैं, बिकॉज समवेयर ये जो ग्रुपिंग है इसने बहुत सारी एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ करी है, चाहे वो हमारे देश में प्लेन हाईजैक हो या यहाँ पर जो मसूद अज़हर है उसको हाईजैक करने के बाद छुड़वाना हो, उसके लिए इस तालिबान ग्रुपिंग का जो रोल था वो बहुत बड़ा था। तो इंडिया के जो रिलेशन है अफगानिस्तान के अंदर वो हमें बेटर होते हुए नज़र आए। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर दी है और यहाँ पर यूएस भी इंडिया के क्लोजेस्ट फ्रेंड के रूप में उभर के आया। बट यहाँ जो रीजनल एक्टर्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, दे आर लेस फ्रेंडली टूवर्ड्स इंडिया देन एवर बिफोर। और इंडिया इसीलिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर डील को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता था, बिकॉज ये डील अगर किसी देश को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा रही है वो है पाकिस्तान, और सबसे ज़्यादा नुकसान वो है इंडिया। और यहाँ पर तालिबान के साथ हमें कश्मीर वाला एंगल को भी समझना पड़ेगा कि वो हमेशा से ही यहाँ पर कश्मीर को एक बड़ा मुद्दा लेकर चले हैं। यूएस तालिबान डील कैन नॉट सर्वाइव विदाउट पाकिस्तान्स असिस्टेंस, इसीलिए यहाँ पर पाकिस्तान का रोल इम्पॉर्टेंट है। और बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान यहाँ पर कश्मीर के ऊपर भी खतरा मंडरा सकता है। इंडिया को यहाँ पर कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे फॉर द नेशनल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, और इन रिटर्न हम लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि तालिबान के साथ नेगोशिएशन करनी पड़े। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, पेज नंबर 11, खबर मिलती है रूलिंग अगेंस्ट जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी। एक रीसेंट जजमेंट आया है जहां पर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ गुजरात केस, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यहां पर जो आरटीआई के रिकॉर्ड हैं वो सिटीजन्स को ना दिए जाएं, क्योंकि आरटीआई के अंदर कोर्ट के रिकॉर्ड मांगे गए थे और ये बोला है कि कोर्ट के रिकॉर्ड दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 225 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पर्टिकुलर डिसीजन है ये इसी महीने पहले लिया गया था। इट डज नॉट प्रिल्यूड द एप्लीकेशन ऑफ द आरटीआई एक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ द कोर्ट। यहाँ पर बात की गई कि मिलियंस ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड्स आर फिल्ड इन द जुडिशियल साइड, और यहाँ पर आरटीआई एक्ट उन कोर्ट रिकॉर्ड्स को मांगने की, पढ़ने की यहाँ पर बात करता है। यहाँ पर कुछ फॉल्ट्स और कुछ कॉन्सिक्वेंसेज इस डिसीजन के साथ एक्सप्लेन किए जाएँ। उससे पहले ये समझना ज़रूरी है वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोर्ट रिकॉर्ड। गाइज जो कोर्ट रिकॉर्ड होते हैं वो आपकी डेली लाइफ, गाइज हर एक जो प्रोसिक्यूशन होती है क्रिमिनल कोर्ट के सामने, उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है टू होल्ड द पुलिस अकाउंटेबल, जस्ट एज एवरी रिट पिटीशन इज एन अपॉर्चुनिटी टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पर जो कोर्ट के रिकॉर्ड्स होते हैं वो एज अ एविडेंस भी काम करते हैं बहुत सारी जगहों पर। इसलिए हमें जो कोर्ट्स होती हैं उन्हें कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स के नाम से भी जानते हैं, कि अगर एक कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है एक रिकॉर्ड के अंदर किसी भी केस के अंदर, उसका इस्तेमाल दूसरी भी कोर्ट के अंदर किया जा सकता है। और यहाँ पर गाइस जो प्लीडिंग है वो कोई भी यहाँ पर पार्टी फिल आउट करती है इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, चाहे वो स्टेक होल्डर हो, सिटीजन्स हो, जर्नलिस्ट हो, एकेडमिशियन हो, शेयर होल्डर हो, हु कैन बेटर इन्फॉर्म द पब्लिक डिस्कोर्स अबाउट द रेमिफिकेशन ऑफ दीज ऑल डिसीजन। इस पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर एपेक्स कोर्ट ने यहां पर बोला है कि यहां पर अलग अलग सेक्शंस अलग अलग चीजें डिफाइन करते हैं। सिटीजन के पर्सपेक्टिव से डिसीजन दो चीजों में प्रोस्पेक्टिव हो रहा है यहां पर। पहला वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के रूल्स के हिसाब से, गाइस हाई कोर्ट के रूल्स के हिसाब से ओनली पार्टीज ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग कैन असेस द रिकॉर्ड ऑफ द केसेस। जो दो पार्टी जो कि केस लड़ रही है सिर्फ उनको ही यहां पर वो रिकॉर्ड लेने का अधिकार है, पर कुछ हाई कोर्ट्स थर्ड पार्टी को भी कोर्ट रिकॉर्ड्स को देखने अलाउ करते हैं, असेस अलाउ करते हैं। एंड दिस इज एंटायरली अनलाइक द आरटीआई एक्ट वेयर नो रीजंस आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड, देयर बाय वास्टली रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्रिशन। पर यहाँ पर आपको रीजन देना पड़ता है, आरटीआई की तरह नहीं कि आप लोगों ने कुछ भी मांग दिया, आपको रीजन की जरूरत नहीं है। एक और बड़ा कारण ये है ये जजमेंट क्यों इतने ज़्यादा
नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है सिटीजन्स के लिए, दैट अनलाइक द आरटीआई एक्ट जो प्रोसीजर है अंडर द रूल्स ऑफ मोस्ट ऑफ हाई कोर्ट्स इज चैलेंजिंग फ्रॉम लॉजिस्टिकल प्रोस्पेक्टिव। तो यहाँ पर सेफगार्ड्स नहीं है, अगर कोई एप्लीकेशन लगाई जाती है अंडर आरटीआई एक्ट इट कैन बी मेड बाय पोस्ट और उसमें फी सबमिट होती है 10 रुपये की। इस तरीके का कोई भी प्रोसीजर हाई कोर्ट के रूल्स के अंदर नहीं है, ज़्यादातर जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है दे रिक्वायर फिजिकल फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन विद रजिस्ट्री एंड आई हियरिंग बिफोर अ जज टू डिटरमाइन दी वेदर रिकॉर्ड शुड बी गिवन और नॉट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो जुडिशियल ट्रैक रिकॉर्ड है ट्रांसपेरेंसी का उसको समझने में थोड़ी सी यहाँ पर बताया जा रहा है कि कमी करी है। आज के सिनेरियो में ट्रांसपेरेंसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। गाइस पेट्रोल के जो प्राइजेस हैं वो लगातार गिर रहे हैं, कारण है कोरोना वायरस, उसी से रिलेटेड आज को आपको एक ग्राफिक भी देखने को मिलता है। पेज नंबर 12, लेफ्टिनेंट गवर्नर इज अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड सेंटर सेज हाई कोर्ट। तो मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि जो पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एंड जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको एज अ यूनिसॉन एज अ यहाँ पर बिल्कुल पार्टनर के रूप में काम करना चाहिए। बोला है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं देवर अ क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट जो यूटी लेजिस्लेचर हैं वो बनाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ यूटी एक्ट 1963 के अंदर। तो यहाँ पर उनका ध्यान रखना चाहिए एज वेल एज रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी का भी यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि क्या रोल एक इलेक्टेड गवर्नमेंट प्ले करती है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर का मेन काम यहाँ पर एज अ ब्रिज बन के दिखाना है बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट एंड द सेंटर, ओके, और सेंटर गवर्नमेंट को ऐसा अंपायर प्रे करना है कि कोई भी डिसएग्रीमेंट ना हो लेफ्टिनेंट गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के इंटीग्रल रोल को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है किरण बेदी जी के बाद एक बड़ा इशू हमारे सामने आया था। आज के सेशन में आप लोगों के लिए इतनी ही न्यूज़ थी। गाइज आपके लिए एक मैंने स्पेशल वीडियो क्रिएट की थी, सो द वीडियो वॉज अबाउट कि हाउ टू सॉल्व एम सी क्यू कैसे सॉल्व करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये एलिमिनेशन मेथड क्या है जिसके बारे में सब लोग आपको बार बार बताते रहते हैं। वीडियो पे करें क्लिक और जल्दी से लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना इस वीडियो को। सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर।